वेलकम टू सेक्सटर 2.0। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस आपको मिले और फ्यूचर में। तो इस टॉपिक पर मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि वीडियो लाओ, लेकिन भूल जाता हूँ, कुछ हो जाता है कि ये टॉपिक नेगलेक्ट हो जाती है दिमाग से। तो वीडियो को पूरे एंडिंग तक देखो। मैं रैंक वाइज नीचे से एक है सुपरस्टार्स के ग्रुप, एक है स्टार्स के ग्रुप, मतलब एक्टर्स के ग्रुप, मतलब दोनों साइड में। तो इंडिया के मैं बता देता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ओपिनियन सबका होना चाहिए, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो एक्टिंग पर बिलीव करते हैं, जो सिर्फ एक्टिंग के लिए जीते हैं, जिन्होंने अपनी करियर में एक्टिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, उनके लिए तो शायद लिस्ट सेम टू सेम होनी चाहिए जो मेरी लिस्ट है। टॉप 10 आउटसाइडर्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया नहीं, बॉलीवुड, मेरे लिए हिंदी सिनेमा टॉप 10 आउटसाइडर्स, जो मेरे को लगता है कि ये यही है। तो सबसे पहले मैं एक ग्रुप बताता हूँ, वो ग्रुप है नीचे से 10th से फर्स्ट तक जाएंगे। एक ग्रुप है जो न्यू यंग लोग है, जिसमें यंग लोग भरे हुए हैं, एंड ये यंग 10th मतलब लास्ट पोजिशन से, इन 5 लोगों में मैं बताता हूँ कि ये 5 कौन है टॉप आउटसाइडर, मोस्ट टैलेंटेड आउटसाइडर्स जो कि बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं, उन लोगों की मैं ये बात बताता हूँ। पहले नीचे से जाता है तो 10th यानी कि टैलेंट यंग लोगों में फिफ्थ पोजीशन में मुझे ऐसा लगता है कि आहना कुमरा। अब लोगों ने उसको बहुत सारी वेब सीरीज़ में देखा होगा, एक इनसाइड एज में है, एंड उसमें है बेताल वेब सीरीज़ में है, और खुदा हाफिस में है, एंड लिपस्टिक अंडर माई बुरखा उसमें है। जब मैं ना उस बंदी की एक्टिंग देखता हूँ ना, मतलब यार दिल से आवाज़ निकलती कि शी डिजर्व्स मोर। एक बार उसकी एक्टिंग खुदा हाफिस में देखो, एक बार उसका जो स्लैंग, उसने सिर्फ एक 20 से 25 मिनट के रोल को करने के लिए उसने सिर्फ वो स्लैंग्स सीखा, उसने उस स्लैंग्स को ऐसे दिया है कि 2 मिनट के लिए मेरे को तो डाउट हुआ कि ए आना कुमरा ही है कि ये कोई और फॉरेनर एक्ट्रेस को लेकर आया गया है इस फिल्म में, मुझे समझ नहीं आया। तो 5th नंबर पर मुझे लगता है कि आना कुमरा इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट आउटसाइडर, फीमेल आउटसाइडर्स में से एक, वन ऑफ द बेस्ट यंग आउटसाइडर्स में से एक 5th नंबर पर मुझे लगती है। 4th नंबर पर जो मुझे यंग में वन ऑफ द बेस्ट आउटसाइडर लगता है 4th, ये एक ऐसा बंदा है इस 10 के लिस्ट में जिसका मैं फ़ैन हूँ, जेन्युइनली फ़ैन हूँ, मतलब प्यार हूँ, मतलब ये बंदा मेरा फेवरेट है। मैं ये लिस्ट तो बता रहा हूँ लिस्ट में, लेकिन 2-3 बंदे ऐसे जो मेरे फेवरेट्स उसमें से ये एक बंदा, और यंग टैलेंट में मतलब मुझे लगता है कि ही इज़ बेस्ट। उसे चांस मिल भी रहा है, होप सो कि फ्यूचर में उसे और चांस मिले, वो और अच्छी अच्छी फिल्में दे। तो ही इज़ नन अदर देन ताहिर राज बच्चन, छिछोरे मूवी का जो डायरेक और मर्दानी मूवी का विलन, एंड काई पोचे मूवी में भी है वो, एंड उसमें भी है वो, और एक फोर्स 2 में है वो। सो इस बंदे को मैंने फर्स्ट टाइम मैंने देखा था फोर्स 2 में, एंड उस दिन से इस बंदे की एक्टिंग और इसकी एक्सप्रेशन और इसका जो तरीका है, वे ऑफ एक्सप्रेशन दिखाने का सब तरीका है, रियली मुझे लगता है कि ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर है, जो एकदम नए जनरेशन यंग लोग बॉलीवुड के अंदर आए उसमें से इस बंदे को भी ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलनी चाहिए। छिछोरे में ही वास स्टड, मतलब फिल्म में प्यार हो गया इस बंदे से, इतना ज़बरदस्त इसका स्टाइल, इसका सब कुछ, मतलब एक्सप्रेशंस मेन होते हैं और डायलॉग डिलीवरी वगैरह सब कुछ, ऐसा लग रहा है कि बहुत कोई 20-25 साल से ये एक्टिंग सीख रहा है, उस लेवल की ये मतलब अपने आप को दिखाता है स्क्रीन पर, एंड ही इज़ बेस्ट। ये मुझे लगता है वन ऑफ द टॉप आउटसाइडर, मेरे को लगता है जो यंग में है 4th नंबर पर। 3rd नंबर पर है, उसके साथ राजकुमार राव भी है, वो सब बहुत लोग हैं जिनका नाम मैंने लिया नहीं क्योंकि लिस्ट बड़ी हो जाएगी, आउटसाइडर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेरे फेवरेट्स हैं, ये मेरा ओपिनियन है, मैं बता रहा हूँ। तो 3rd नंबर पर मुझे सबसे बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट आउटसाइडर जो मुझे लगता है जो यंग में है, वो मुझे लगता है राजकुमार राव की एक्टिंग, गैंग्स ऑफ वासेपुर ले लो, एंड राजकुमार राव की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर मैंने देखी है, अभी तक सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो मैंने देखी है, वो मैंने देखी है इन फिल्म ट्रैप्ड फिल्म। जिन लोगों ने नहीं देखा वो फिल्म जाकर देखो, इट्स अ कम्प्लीट मास्टरपीस। मतलब राजकुमार राव की जितनी भी फिल्म, मोस्टली मैंने सारी फिल्में देखी, इवन न्यूटन भी मैंने देखी है,
सारी की सारी फिल्में देखकर भी मैं यही बोलूँगा कि उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे उसमें लगती है। अभी जो जिनको कोई आइडिया नहीं है एक्टिंग का, सिर्फ उनको राजकुमार राव बोलने का आदत है, लेकिन उन लोगों ने उनकी फिल्म देखी नहीं होगी, पक्का मैं लिख के देता हूँ देखी नहीं होगी, उनसे तुम पूछना कि राजकुमार राव की बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी है, वो बोलेंगे स्त्री, क्योंकि उन लोगों ने देखी नहीं है उसकी फिल्म। मुझे उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस लगती है ट्रैप्ड, ही इज़ एट अनदर लेवल। मुझे ये वन ऑफ द मतलब थर्ड सबसे बेस्ट आउटसाइडर लगता है। इसके ऊपर जो आता है ही इज़ विद्युत, मतलब जो उस फिल्म के अंदर था वो खुदा हाफिज फिल्म में, कमांडो सीरीज के अंदर फोर्स वन का विलन। ये बंदा मतलब मल्टी टैलेंटेड है। मतलब सिर्फ एक्टिंग में वो मात खाएगा, ऑब्वियसली राजकुमार राव से बहुत बड़े मार्जिन से मात खाएगा, लेकिन टैलेंट का पैकेज अगर देखा जाए तो ये बंदा बहुत ज़्यादा है। इस बंदे को जितना राजकुमार राव को एटलीस्ट फिल्में मिल रही है, राजकुमार राव को चांस मिल रहा है, लेकिन इस बंदे को जितना ये इसको चांस मिलना चाहिए उससे 20% भी शायद नहीं मिल रहा है इस बंदे को। एंड ये बंदा अपनी फिल्मों में जितना हार्डवर्क करता है, बॉडी फिजिक्स से लेकर एक्टिंग एक्सप्रेशन तक, एक बार जाकर खुदा हाफिज फिल्म देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज विद्युत। एक बार जाकर उस फिल्म को देखो, मेरे को लगता है कि वो विद्युत की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, मुझे ऐसा फील होता है। और नंबर वन आउटसाइडर यंग लोगों में मुझे एक ही लगता है जो मेरा थर्ड ऑल टाइम फेवरेट है, वो बंदा है आयुष्मान खुराना। इसकी एक्टिंग को लेकर कई लोग मतलब इसको ट्रोल करते हैं कि हर फिल्म में एक तरह की एक्टिंग करता है। आई रियली एक्सेप्ट दैट। मैंने खुद वो चीज़ नोट किया है कि इसकी एक्टिंग का जो डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग नहीं, उसको एक्टिंग नहीं बोलते, डायलॉग डिलीवरी बोलते, लेकिन जो कंसेप्चुअल वे में अपने आप को वो दिखाता है फिल्म के अंदर, जो कंसेप्चुअल मतलब जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में वो फिल्मों के अंदर अपने आप को वो लाता है, उससे उसकी फिल्म में जान आती है। स्क्रिप्ट सेकेंड है, बंदे का परफॉर्मेंस ऑलवेज नंबर वन होता है। स्क्रिप्ट तो आज या कल लोग भूल जाएंगे, लेकिन 10 साल बाद भी लोग उसके परफॉर्मेंस को याद ज़रूर करेंगे। एंड ये बंदा इज़ मल्टी टैलेंटेड, मल्टी एक्टिंग स्किल्स। ये बंदा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले 10-20 साल के अंदर ही विल बी द नेक्स्ट आमिर खान, ये मेरे को ऐसा फील होता है। क्योंकि इसकी हर स्ट्रैटेजी है फिल्म करने का, ये बिल्कुल मैच होती है आमिर खान सर के साथ। तो ये मेरे को लगता है नंबर वन आउटसाइडर इन यंग। तो इन यंग बोले तो ये नंबर 6 पे आ जाता है, टॉप 10 में अगर बोले जाए तो। तो अब आते हैं सुपरस्टार्स के अंदर में, मतलब जो बड़े लोग हैं, बड़े मतलब बड़ा नाम, बड़े लोग में मतलब हिंदी सिनेमा के जो मेरे को बेस्ट आउटसाइडर्स लगते हैं, बड़े लोग में मेरे को नंबर 5th नंबर पर सबसे बेस्ट इज लेजेंड। वो उसमें मुझे लगता आउटसाइडर मतलब प्योर आउटसाइडर, कोई भी लिंक ना हो बॉलीवुड से, उसी को आउटसाइडर बोलते हैं। तो नंबर 5th में मुझे लगता है कि पंकज त्रिपाठी, ही इज़ आउट ऑफ बॉक्स मैन। उसकी एक्टिंग का अगर मीटर नापा जाए ना, तो वो सारे मीटर को उस मीटर में कोई मतलब वो कोई रेशियो होगा ही नहीं कि जो उसकी एक्टिंग के लेवल को नाप सके, जो उसकी टैलेंट के लेवल को नाप सके, जो उसकी डायलॉग डिलीवरी को कोई नाप सके, भाई कोई ऐसा मीटर बना नहीं है। सो मुझे ऐसा फील होता है कि ही इज़ नंबर 5, मेरे को ऐसा, ये मेरा चॉइस है। आई फील उससे अच्छा एक्टर मतलब एज अ जो रॉ रोल करते हैं ना उस जॉनर के अंदर, तो वो बंदे से अच्छा एक्टर ढूंढना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब नंबर 4 पे मुझे लगता है कि जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आउटसाइडर मुझे जो लगता है, जो बड़ा नाम है। और एक बात याद करो कि मैं इस लिस्ट में उन लोगों को काउंट नहीं कर रहा हूँ जो हम लोगों को छोड़कर जा चुके हैं, उन लोगों को मैंने डाला नहीं है लिस्ट में। उन लोगों को डाला होता तो दो नाम तो पक्का होते, वो दो नाम कौन है तुम लोग जानते हो। तो 4th नंबर पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ग्रेट मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कोई आउटसाइडर है, मेरे को ऐसा फील होता है, वो गोविंदा एंड परेश रावल, जो कि बड़े नाम में मैं बता रहा हूँ, परेश मतलब बड़े नाम जो है। ये दो बंदे ऐसे हैं ना, मुझे ऐसा फील होता है, नॉट ओनली गोविंदा को थोड़ा साइड करो, परेश रावल स्पेशली एक ऐसा लेजेंडरी एक्टर है ना,
मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे से अच्छा एक्टिंग बॉलीवुड के अंदर कोई नहीं कर सकता। एक्टिंग उस बंदे से अच्छा एक्टिंग एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन सबको पीछे पीछे कर लो, सिर्फ मैं प्योर क्लास एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। वो बंदा से ऊपर मुझे लगता ही नहीं कि कोई बॉलीवुड के अंदर एक्ट कर सकता है, कर सकता है। कोई बड़ा कोई भी सुपरस्टार तुम लोग कहीं से भी लेके आ जाओ, उससे अच्छा मुझे कोई नहीं लगता। सेम गोज टू गोविंदा। एक बार स्वर्ग मूवी का वो सीन और वो क्लिप उठाकर देख लेना जहाँ पर वो रोल को दोबारा से अपने स्टाइल में करता है। स्वर्ग मूवी, ये राजेश खन्ना सर की मूवी है, एक बार उठाकर वो क्लिप देखना ना, वहाँ पर तुमको पता लग जाएगा ही इज लेजेंड। ये दो बंदे मतलब मेरे को वन ऑफ द लेजेंडरी बंदे लगते हैं। एक्टिंग में अगर मेरे को सीखना है तो मैं अगर मुझे अगर एक दिन का मोहलत मिल, मेरा फैनशिप अगर मेरे दिमाग से निकाल दो, मेरा फैनगिरी को दिमाग से निकाल दो, तो मुझे अगर बोला जाए कि बेटा तू एक्टिंग सीखने के लिए एक साल का वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप में तू जाएगा, तू किसी भी स्टार को सेलेक्ट कर, मैं सिर्फ एक नाम लूँगा, वो है परेश रावल सर। क्योंकि ये मतलब दिल में, ये बंदा दिल में। तो नंबर फोर का ये लिस्ट है। देन कम्स टू नंबर थ्री। नंबर थ्री में किंग ऑफ कॉमिक टाइमिंग, किंग ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब ये बंदा ही इज जस्ट, जैसा भी इसके फैंस जैसे भी हो, लेकिन दिस गाय ही इज स्पेशल किड। अक्षय कुमार, शाहरुख खान के बाद मैंने देखा इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ दो ही ऐसे बंदे लगते मेरे को, एक एक्चुअली एक है अमिताभ बच्चन सर, लेकिन उसके बाद भी अगर तीसरा नाम देने को बोलेगा जिसकी मतलब जो आपको ऐसा फील कराता है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। विलनिटिक रोल, कॉमिक टाइमिंग, कॉमिक रोल, साइको रोल, मतलब रोमांस, दिस गाय इज जस्ट परफेक्ट मैन, परफेक्ट। आउटसाइडर में इसने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इसने भी बहुत कुछ पार कर कर ही अपना नाम बॉलीवुड में इतना बनाया है। तो ही इज नंबर थ्री फॉर मी। नंबर टू में जो कि आउटसाइडर का अगर नाम बोल दिया जाए ना, तो अगर इस बंदे का नाम किसी ने नहीं लिया ना, तो उसको 100 तोप से मारकर उड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये बंदा आउटसाइडर का इंस्पिरेशन है। आज हम जो लाखों करोड़ों एक्टर्स, जो यंग एक्टर्स, जो टैलेंटेड एक्टर्स देख रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह राजपूत, जिन लोगों को हम लोगों ने देखा है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन। इसने ही, यही वो बंदा है जिसने मुझे मोटिवेट किया। इवन मेरे को भी, मैं तो बचपन से फिल्मों का फ़ैन हूँ, मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे फिल्म के अंदर जाते कैसे वो सब कुछ नहीं पता था। तो हम जैसे लोग जो जितने भी है यंग बच्चे और स्टार्स, जैसे कि इन लोग आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, ये सब जो है, इनका इंस्पिरेशन आउटसाइडर का किंग शाहरुख खान। ये बंदा कुछ भी कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे ग्रेट एक्टर नहीं है, इससे अच्छे एक्टर नीचे लिस्ट में मैं लाकर दिखा दूंगा 10 से 11, लेकिन इसके जैसा ऑल इन वन मल्टी थिंग्स कोई नहीं कर सकता है। मतलब सारी चीज़ों को अगर दे दो इसको, ये एक मतलब एक ऐसा फॉल्ट, मतलब एक ऐसा जॉनर निकाल दो जिसमें कि ये बंदा बोले कि ये मुझसे नहीं होगा। सोचो अगर एक विलन का जॉनर है, विलन का जॉनर का सबसे बड़ा एक्टर पकड़ लो आयुष्मान खुराना। अब विलन के जॉनर में ये बंदा तो नहीं है, शाहरुख खान तो नहीं है। अब हम लोग विलन के जॉनर इसको देते हैं, बोलते कि इसको टक्कर दो। ये बंदा सिर्फ टक्कर नहीं देगा, उसको फोड़ कर चला जाएगा। दैट इज द स्पेशल थिंग जो SRK को इतना ज़्यादा बड़ा बनाती है, सबसे अलग और सबसे ऊपर बनाती है। हम मानता हूँ कचड़ी मूवीज में बहुत किया इस बंदे ने, लेकिन सिर्फ कचरा मूवीज इसके टैलेंट को वो नहीं करता। वो जो बाथरूम मूवीज इसने की है, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर, JHMS, और भी कितने मूवीज़ है, दिलवाले, ये सारी मूवीज़ इसको इसको मतलब डिनोट नहीं करते, इसको वो सारी चीज़ें इसको दिखाते नहीं है कि ये वो कैटेगरी का बंदा है। सिर्फ 6-7 कचरी चीज़ें दिखा देने से नहीं होगा। दिस गाय इज लेजेंड, लेजेंड, प्योर लेजेंड। आउटसाइडर का जो इंस्पायर आइडल है वो यही है, सबसे बड़ा आउटसाइडर मेरे को एज ए फील होता है कि वो यही है। अब आते हैं नंबर वन पे। दिस गाय डजंट हैव कॉम्पिटिशन इन एक्टिंग। बात जब एक्टिंग की आ जाए ना, तो स्वयं
हॉलीवुड से तुम 200 लोग लाकर दे दो, वो 200 मिलकर भी इसके सामने खड़े होने को बौखलाएंगे। इस बंदे के अंदर इतना दम है, इतना स्ट्रगल किया इसने, इतना कुछ पार करके इस बंदे ने मेरे लिस्ट में, मेरे दिल में नंबर वन प्लेस बनाई है आउटसाइडर के लिस्ट में, टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड आउटसाइडर नवाजुद्दीन सिद्दीक। नॉट इवन अ सिंगल परफॉर्मेंस जो इसने दी है, घटिया से घटिया फिल्में भी है इसकी, मैं लिख कर देता हूँ, लेकिन अगर उसमें तुमको, उसमें भी अगर तुमको 95 के रेशियो से नीचे परसेंटेज की एक्टिंग अगर नज़र आ गई तो तुम मेरा नाम बदल देना, मैं ये चैनल तुम्हें दे दूंगा, बेच दूंगा फ्री में। इसकी घटिया से घटिया परफॉर्मेंस वाली फिल्में भी होगी, मतलब घटिया से घटिया फिल्में भी होगी जिसमें इसका परफॉर्मेंस 95 के रेशियो से नीचे होगा, 95 मार्क्स से नीचे होगा। रमन राघव वासेपुर, इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है मेरे टॉप 10 ऑल टाइम फेवरेट आउटसाइडर। तो अपने लिस्ट को कमेंट सेक्शन में बताओ आपका टॉप 10 कौन है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो सब जगह शेयर करो, सारे फैन पेज में शेयर करो। ये लोग है यार, यही लोग जाना चाहिए आगे।